पता है यार मोनिका, तू मेरे लायक नहीं है यार। क्यों, कैसी बहू चाहिए थी आपको? मुझे कैसी बहू चाहिए थी? कोमल बुआ आ चुके हैं नाले पे, तो अब लेने चलते हैं उन्हें। वो खड़ी बुआ की गाड़ी कहाँ गई बुआ? बुआ ऐसा मेकअप करवाते हो आप तो। हेलो, फ्रूट्स ले रही हूँ अपनी नानी के लिए। हेलो बुआ, नमस्ते। आतिक सा समोसे इन पे टूट के पड़ी है, देख देख। थैंक यू फॉर समोसा। जब रिश्तेदार आते हैं तो कहीं समोसे कहीं नमकीन सब कुछ आती है और घर वाले चुपचाप बैठ जाते हैं। वो अभी गाड़ी तक नहीं पहुंचे, देखो क्या हो रहा है, देख। टूट पड़े, जब से बैठे थे आराम से अब टूट पड़े। हमारा प्लान बन रहा है पिज्जा खाने का। मम्मी बोल रही है कल इतनी सारी नान खाई, जिम जाती है मम्मी रोज, और मम्मी बोल रही है रोज पिज्जा खाओगे मेरा फेवरेट, मैं कब तक एंजॉय करूंगी भाई, मैं खाऊंगी। तो खा, खूब खा। मैं तो खाऊंगी, कल नान खाई है खूब ठोक ठोक के। चाचू अगर आप ब्लॉग देख रहे हो ना, सारा पसीना निकाल दे रहे हो मम्मी का। मेरे दो दिन जाते नहीं, पिज्जा पार्टी हो रही है इनकी, फिर दो रात पिज्जा पार्टी हो रही है, ऐसी होगी। रोज करेंगे हम तो, रोज करेंगे तो खा। आज बुआ आई है और आज बुआ लेके जा रही है हमें पिज्जा खिलाने द्वार पे। मैं बस लेके जा रही हूँ, खिलाऊंगी नहीं, खिलाएगी। कोमल कैसी पिचकारी मार मार के चाय पी रही है तू, नाक में घुस गई। रिकॉर्ड होता है, बहुत बढ़िया लगता। पता है मोनिका, तू मेरे लायक नहीं है यार। क्यों, कैसी बहू चाहिए थी आपको? मुझे एक ऐसी बहू चाहिए थी जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर सके, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना सके और मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा खुश रख सके। अच्छा, और क्या, बस वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रह सके। मतलब तीन बहू, तीन बहू चाहिए आपको, एक से पेट नहीं भरता है। तू कह रही थी और, तो मैंने बता दिया तीनों एक साथ रह सके भैया। तो और भी डिमांड है बता दो, तो चार पाँच छह दस तक काउंटिंग कर लो भाई। आपको भी चाहिए ऐसी तीन बहू? तीन बहू का मतलब होता है, तो मैंने चौथी बताई नहीं, और ख्वाहिशें अपनी मैं जाहिर कर देता, चार पाँच छह सात आठ नौ दस तक भी हो सकती थी। कैमरे के बाद मेरे साथ ही हो आप समझ के। और तू ये बता, तू रात में सच के नजर आ रही है? देख रही थी मैं कैसा लग रहा है मेरे हाथों में कलर, अच्छा लग रहा है ना? रात को डर जाऊंगा मैं, चुड़ैल उड़ैल से लग जाएगी तो बता रहा हूँ। मैं सपनों में जा रही हूँ किसी से मिलने, इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ, समझ गई। पता रात को नहीं, कल वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए मैं घूमने जा रही हूँ सपने में। मैं तो लाऊंगा नहीं, ये तो घुमाएंगे नहीं, दस साल हो गए ये मुझे आज तक नहीं लेके गए, शर्म नहीं आती इनको। अब बताए ना, अब तीन बहुओं में तो मैं ले जाऊँ अलग अलग, अब एक को क्या ले जाना, गरीबी अमीर बना थोड़ा सा, मुझे दो तीन और ले गया। अच्छी ले रहे हैं। दो तीन और ले गया अपने साथ, कहीं घुमा भी लाया करो मेरे को। चल रहे हैं, बहुत जल्दी हम दोनों घूमने जाएंगे, अभी बता दिया मैंने आपको, तो अभी घर पे नहीं बताया किसी को, अब मुझे भी नहीं बताया, मुझे मैंने बता दी तो अब सुबह ब्लॉग देख लेंगे घर वाले, तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा। बाकी कहाँ जा रहे हैं जल्दी बता देंगे, ब्लॉग्स तो मिल ही जाने आपको। तो बस आज इतना ही, कोमल आ गई है और कल का दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। कोमल आते तो आपको पता है एंजॉय तो होता ही है। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही यार, आई होप हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी तरफ से, इनकी तरफ से नहीं, सबको मुबारक हो। वैसे मनाते नहीं हम, ठीक है, सो मैं मम्मी को बोलूंगा वैलेंटाइन उठते, इसको तो क्या बोलना, ठीक है, मुझे नहीं बोलते, कुछ देते भी नहीं है। चलो मिलते हैं, फर्स्ट में भी नहीं दिया, लोग फर्स्ट में तो दे देते हैं शर्म के मारे, इन्होंने तो भी नहीं दिया। पता है फर्स्ट तक मुझे पसंद ही नहीं थी। बाय।